तो गाइस आप लोगों को भी अगर ऐसे ही जीरो रिकॉल वाला स्प्रे करना है, किसी भी एनिमी को किसी भी एंगल से अगर मारना है, तो इसी वीडियो को देखना है। इसी वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, हर एक स्कोप के साथ 2x 3x 4x 6x रेड डॉट होलो सभी स्कोप के साथ BGMI में और पबजी मोबाइल में जीरो रिकॉल सेंसेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। M416L स्कारलेट गन का बेस्ट सेंसेशन देने वाला हूँ, सेंसेशन का कोड भी देने वाला हूँ। उसके साथ अगर आप लोग लेआउट ऑन में खेलते हो, लेआउट 3 में खेलता हूँ, लेआउट ऑन और लेआउट 3 का 5 फिंगर 4 फिंगर एंड 6 फिंगर का बेस्ट कंट्रोल का कोड भी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। उसके साथ साथ बेस्ट सेटिंग्स कौन से सेट करना है जिससे आपका जीरो रिकॉल होने वाला है, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो आप लोगों को मैं आप लोगों को मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग भी दिखाने वाला हूँ, देने वाला हूँ। उसके साथ साथ जो आप लोग सेंसिटिविटी का कोड भी देने वाला हूँ, और उसके साथ आप लोगों को जो कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स का कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके साथ साथ बेस्ट जो मेरा जो सेटिंग्स है, जिस सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद आपका भी जीरो रिकॉल सेंसिटिविटी सेटिंग होने वाला है, आपका भी स्प्रे जीरो रिकॉल वाला होने वाला है, आप लोग भी बहुत अच्छे से बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ स्प्रे कर पाओगे और अपना एनिमी को भी बहुत ईजिली मार पाओगे। तो सारा चीज़ें इस वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से देने वाला इस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो आप लोगों मेरा जो जो कंट्रोल्स का सेटिंग्स है वो दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल्स में आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ, मेरा जो लेआउट 3 में खेलता हूँ, तो मैं आपको लेआउट 3 का कंट्रोल सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ। तो लेआउट 3 में मेरा कंट्रोल्स कुछ इस टाइप का है, 5 फिंगर आप लोग अगर खेलते हो तो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग 4 फिंगर या फिर 6 फिंगर भी खेलते हो तो ईजिली यूज़ कर सकते हो इसी कंट्रोल्स को, ठीक है। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसका भी मैं आप लोग कोड में अभी दिखा देता हूँ, आप लोग कोड जो है दे देता हूँ, तो कोड भी यहाँ पर आप लोगों को जो है मिल जाएगा। तो शेयर में जाके मैं आप लोगों को जो यहाँ पे मेरा जो कोड है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग लेआउट 1 पे खेलते हो तो लेआउट 1 का भी कंट्रोल कोड आप लोगों को दे देता हूँ, सेम कंट्रोल्स है मेरा यहाँ पे भी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग कस्टमाइज़ करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप लोग इस कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हो, 4 फिंगर 5 फिंगर एंड 6 फिंगर के लिए, ठीक है। इसका भी कंट्रोल का कोड आप लोगों को दे देता हूँ। तो सारा चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ इसी वीडियो में, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिए और यूज़ करिए और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कंट्रोल्स दिखा दिया, कंट्रोल का कोड भी आप लोगों को दे दिया। अभी आप लोगों को जो है मेरा जो बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है वो भी आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो सेंसिटिविटी सेटिंग में जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग में जाना, जाने के बाद मैं अपना बेसिक जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो आपको दिखाएं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सो, मैं जायरो पे खेलता हूँ, ऑलवेज जायरो पे, तो आप लोग सबसे पहले कैमरा सेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कैमरा सेंसी आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लो ईजिली, उसके बाद ADS का सेंसी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है कैमरा सेंसी फ्री लुक, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पूरा देख लो। देखने के बाद अभी आप लोगों को जो है जायरो सेंसी दिखाया, तो जायरो सेंसी मेरा ऑलवेज जायरो पे ऑन है, तो यहाँ पे जायरो का सेंसी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सभी सेंसी को देख लो और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और पूरा सेंसिटिविटी को आप लोगों को देखने के बाद सभी सेंसी को कॉपी मत करना, जिस भी सेंसी में आप लोग प्रॉब्लम रहेगा उसका सेंसी को कॉपी आप लोग मेरा कर सकते हो। ADS जायरो की सेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा ADS जायरो की सेंसी आप लोगों को मैं दिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद अभी एडवांस सेंसिटिव सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों मैं अपना मेरा खुद का M416 गन का बेस्ट सेंसिटिव सेटिंग्स भी आप लोगों को दिखाने वाला है, देख लो। तो कैमरा सेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो कैमरा सेंसी आप लोग यहाँ पे पूरा देख लो। उसके बाद जो है ADS सेंसी आप लोग यहाँ पे देख लो, पूरा ADS सेंसी जो मैंने सभी स्कोप पर सेंसी को मैंने जीरो रखा है, क्यों रखा है जीरो या फिर 1% पे क्यों रखा है मैं आप लोग बताऊंगा इसी वीडियो में। तो उसके बाद देख लो यहाँ पे जो जायरो का सेंसी आप लोग देख सकते हो, तो जायरो का सेंसी भी मेरे पे थोड़ा सा हाई सेंसी है, तो मैं थोड़ा हाई सेंसी में खेलता हूँ तो हाई सेंसी है थोड़ा। उसके बाद ADS जायरो जिस सेंसी को आप लोग यूज़ करने के बाद आपको जीरो रिकॉल होने वाला, तो इस सेंसी को भी आप लोग पूरा अच्छे से देख लो, हर एक स्कोप का सेंसी को आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लो, जिससे आपका भी रिकॉल जीरो हो जाए। पूरा सेंसी को कॉपी मत करना, जिस स्कोप में आपका प्रॉब्लम रहेगा, जिस स्कोप में आपका जो रिकॉल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उसी सेंसी को आप लोग मेरा यूज़ करो, ठीक है। अभी आप लोगों के एडवांस एक और सेंसिटिव सेटिंग देने वाला हूँ, जो अगर आप लोगों के पास M416 का नहीं मिलता तो आप लोग स्कारल से खेलते हो, स्कारल का भी एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव सेटिंग आपको देने वाला हूँ। तो एक इस बात में एक वीडियो को लाइक कर दो, तो स्कारल का भी मैं अलग से सेंसी आपको दिखा देता हूँ, पूरा सेंसी को आप लोग देख लो। कैमरा सेंसी देख लिया, अभी ADS का सेंसी देख लो, उसके बाद जायरो का सेंसी आप लोगों को दिखाया, तो जायरो का सेंसी भी आप लोग देख लो। उसके बाद जो है ADS जायरो का भी सेंसी, जिससे आपका रिकॉल कंट्रोल होगा, जिससे आपका जीरो रिकॉल वाला स्प्रे होगा, सभी स्कोप का सेंसी को आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। तो सेंसी सेटिंग्स आपको पूरा अच्छे से मैंने दिखा दिया है, पूरा सेंसिटिव सेटिंग को कॉपी मत करो, जिससे आपको मतलब पूरा कॉपी करोगे तो पूरा आपका गेम प्ले चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके बाद खेलना पड़ेगा। तो जो भी सेंसी मैंने दिखा है वो मेरा पर्सनल सेंसी है, जिसको मैं बहुत अच्छे से अभी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं इसको कंफर्टेबल हो गया मेरा, बहुत अच्छे से मैं इसको स्प्रे कर पा रहा हूँ। आप लोग भी अगर थोड़ा सा इसको सेंसी को लेंगे, कॉपी करेंगे, यूज़ करेंगे और अगर थोड़ा बहुत अपनी हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे, जिससे आप लोगों का भी बेस्ट सेंसी सेटिंग वाला बन सकता है, ठीक है। और जीरो रिकॉल हर एक स्कोप में आपका होने वाला, मतलब काफ़ी अच्छे से आप लोग जो अपना जो
स्प्रे को कंट्रोल कर पाओगे बहुत अच्छे से। स्प्रे आप लोग इजीली कर सकते हो, इजीली आप लोग देख भी सकते हो, मैं आपको स्प्रे आपको करके दिखा भी रहा हूँ कितना अच्छा मेरा जो स्प्रे पे जा रहा है। तो आपका भी स्प्रे ऐसा ही होने वाला है, तो मक्खन जैसा, ठीक है। तो बस आप लोग क्या करना, आपको जो सेंसिटिविटी को लेना है कॉपी करना है और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, क्योंकि हर एक डिवाइस अलग होता है, हर एक जो है आपका जो मोबाइल अलग होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो आपका जो माइंड सेट अलग रहता है गेम में, आपका बहुत अच्छे से कोई रहता है बहुत जो हाई सेंस में खेलता है, कोई रहता है थोड़ा बहुत लो सेंस में खेलता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। सेंसेशन का पूरा गाइड मैंने एक और वीडियो बना के दिया है, जिसमें आप लोगों को पूरा अलग अलग सेंसी कैमरा सेंसी का क्या काम होता है, एडीएस सेंसी का क्या काम होता है, जायरो सेंसी का क्या काम होता है, एडीएस जायरो सेंसी का क्या काम होता है, सभी डिटेल में वीडियो बना के दिया है, उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हर एक सेंसी का क्या काम है, क्या उसका मतलब क्या रोल होता है आपका गेम प्ले में, ठीक है। वो अगर वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जाकर देख लो। अभी आप लोगों को जो भी सेंसी मैंने दिया है, इस सेंसी को और भी अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको दिखाया, तो मेरा जो सेटिंग्स क्या क्या रखा हूँ मैंने, सेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग्स को भी आप लोग अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि सेटिंग्स अगर गलत रहेगा तो आप लोग सेंसिटिविटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। और क्योंकि मैं 5 फिंगर पे खेलता हूँ और लेआउट 3 में खेलता हूँ, तो आपका जो सेंसिटिव सेटिंग्स है वो भी देखना अच्छा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कंट्रोल का जो सेटिंग्स है, सभी सेटिंग को आप लोग देख लो, सेटिंग्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से आपका गेम प्ले को इंप्रूव करेगा। तो हर एक सेटिंग्स को आप लोग अच्छे से देख लो। बेसिक सेटिंग आपको दिखा दिया, अभी आप लोग जो एडवांस जो कंट्रोल का सेटिंग है वो भी आप लोग देख सकते हो। हर एक सेटिंग्स को आप लोग देख लो, अपने सेटिंग्स के साथ कंपेयर कर लो कौन सा आपका सही है गलत है, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ पे देख लो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू जो है 85 रखना है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू जो है 103 रखना है, और स्प्रिंट सेंसी जो है इसका आप लोग को जो 100 पे रखना है, जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत फास्ट मूव करे, जॉयस्टिक बहुत फास्ट मूव करे, जिससे आप लोग बहुत ईजिली जो है एनिमी को मार पाओ, ठीक है। उसके साथ आप लोग हर एक सेटिंग्स को देख लो, एम एस एस मेरा ऑफ रहता है मेनली, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एम एस एस अगर ऑन भी रहता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एम एस एस ऑन रखना अच्छा होता है, बट मैं एम एस एस ऑफ पे प्रैक्टिस करता हूँ, एम एस एस ऑन पे ही रहता है, उससे ही मैं बहुत अच्छा स्प्रे कर लेता हूँ, ठीक है। और जायरो ऑलवेज जायरो पे खेलता हूँ, ऑलवेज जायरो पे ऑन है। तो सारा सेटिंग्स आप लोग को मैंने दिखा दिया, सारा सेटिंग्स के साथ आप लोग सारा जो कंट्रोल्स मैंने दिखा दिया, मेरा 5 फिंगर 4 फिंगर एंड 6 फिंगर का बेस्ट कंट्रोल भी दिखा दिया, उसी के साथ आप लोग को बेस्ट सेटिंग्स भी दिखा दिया, कंट्रोल्स भी दिखा दिया, और सेंसिटिव सेटिंग भी आप लोग को दिखा दिया, हर एक स्कोप का बेस्ट सेंसिटिव सेटिंग भी दिखा दिया, M4 सेटिंग का भी सेंसिटिव सेटिंग दिखा दिया, और स्कारल का भी सेंसिटिव सेटिंग आप लोग को दिखा दिया। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें, और आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है वीडियो में, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। और इसी टाइप का इंटरेस्टिंग डिप ड्रिल सेंसरी के बारे में और भी डिटेल वीडियो देखना, चैनल को गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच। और आप लोग सेंसरी का यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो और देख सकते हो मेरा जो स्प्रे है कितना ईजी और कितना एक्यूरेट जा रहा है, आप लोग भी ऐसे ही स्प्रे कर सकते हो इस सेंसरी का यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे और भी अच्छे से सेंसरिंग को कैसे यूज़ करना है, उसका क्या गाइडेंस रहेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को अभी यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।